हाय, मैं हूं मोहित पुंजाल फ्रॉम डायरेक्टर्स इन्वेस्टमेंट्स डॉट कॉम। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में बताऊंगा। इस आईपीओ का नाम है प्रोवेंटस एग्रोकैम लिमिटेड। ये अपना एक आईपीओ लेके आ रहे हैं, छोटा सा इश्यू साइज है 69 करोड़ रुपीज का। क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, पहले आप इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स पर नजर डाल दीजिए। क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें, इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड देन एनालाइज एंड फाइंड आउट इस आईपीओ को इन्वेस्ट करना वर्थवाइल है कि नहीं। प्रोवेंटस एग्रोकैम लिमिटेड, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, दे आर इन टू द बिजनेस ऑफ एग्रो प्रोडक्ट। दे डील इन टू एंटायर रेंज ऑफ ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स एंड बेरीज। प्रोडक्ट ऑफ कंपनी ऑल्सो इंक्लूड्स वेरियस हेल्दी स्नैकिंग प्रोडक्ट्स अक्रॉस डिफरेंट वैल्यू चेन। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द ड्राई फ्रूट सेगमेंट सेल्स इन इंडिया। आप इनका रेवेन्यूज देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतना अच्छा रेवेन्यूज है इनका, इतना अच्छा ये सेल कर रहे हैं। इनके प्रोडक्ट बास्केट्स में आते हैं आलमंड्स, पिस्टैचियोस, कैश्यूज, वॉलनट्स, रेजिंस, अदर नट्स, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स एंड बेरीज। प्रोवेंटस एग्रोकैम लिमिटेड ऑपरेट्स थ्रू इट्स मटेरियल सब्सिडरीज लाइक प्रोव फूड्स प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रोवेंटस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। ये इनके ब्रांड नेम्स हैं। कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो है आपके सामने। कंपनी हैज अ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो फोकसिंग ऑन वेरियस कस्टमर सेगमेंट्स एंड डिफरेंट मार्केट्स। इनका एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अरेंजमेंट विद रिप्यूटेड चेन्स है इनके पास एंड ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स पर बेचते हैं, डिफरेंट मार्केट चेन्स पर भी अपना प्रोडक्ट बेचते हैं एंड दे हैव एन एक्सपीरियंस प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट टीम। कंपनी का रिस्क क्या है? कंपनी का रिस्क है ड्राई फ्रूट सेगमेंट इज मोस्टली एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पे बहुत बड़ा कंपटीशन है एंड लोकल शॉप्स एंड लोकल प्लेयर्स का एक अच्छा डोमिनेंस है, इसलिए यहाँ पे एक इनको लोकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलता है एंड पीपल प्रेफर टू गो एंड बाय फ्रॉम द लोकल शॉप्स रादर देन गोइंग फ्रॉम ब्रांड्स। उनको लगता है ब्रांड्स कॉस्टली होते हैं जबकि लोकल शॉप सस्ता देता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स ये हैं आपके सामने। अगर हम देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31 मार्च 2020 को था माइनस 31.90 CR, 31 मार्च 2022 को था प्रॉफिट ऑफ 1.14 CR, 31 दिसंबर 2022 को था प्रॉफिट ऑफ 1.89 CR। पर मजे की बात यहाँ पे जो हैरान करने वाली बात है कि अगर हम देखें रेवेन्यू एज ऑन 31 मार्च 2020 को था 900 करोड़ का। 900 करोड़ का रेवेन्यू होने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 22 करोड़ का लॉस था। अगर हम 31 मार्च 2022 को देखें तो 404 करोड़ का तो रेवेन्यू है और प्रॉफिट है खाली 1.14 CR। तो कुछ प्रॉब्लम है कहीं पे, जहाँ पे इतना रेवेन्यू होने के बाद भी इतना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं आ रहा है। सो ये एक बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग है इस फाइनेंशियल्स की। बोरोइंग्स पर नजर डालें तो 31 मार्च 2020 को था 17 CR का बोरोइंग, जो कि बढ़ के हो गया 31 मार्च 2022 को 34 CR का, ऑलमोस्ट डबल। फाइनेंशियल्स तो देख के मज़ा नहीं आया। ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं टू फंड द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, टू फंड देयर मटेरियल सब्सिडरीज नेमली प्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, उसको फंड करने के लिए, एंड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी के प्रमोटर्स कौन हैं? कंपनी के प्रमोटर्स हैं मिस्टर दुर्गा प्रसाद झावर, मिस्टर दीपक कुमार अग्रवाल, शालीन संजीव खन्ना, श्री GMD इन्वेस्टमेंट एडवाइजरीज LLP। क्या करना चाहिए, क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है, रेवेन्यूज को देखे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा नहीं दिख रहा, सो दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड आईपीओ। अवॉइड दिस आईपीओ। आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े रह सकते हैं, जहां मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूं अबाउट डिफरेंट स्टॉक्स, डिफरेंट आईपीओ, डिफरेंट म्यूचुअल फंड। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। एंड यस, डीमैट नहीं खोला है तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें एंड ओपन योर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बिना किसी चार्ज के।